नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी फिफ्थ भाव के बारे में कि फिफ्थ भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिक्स भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि जो नेटल चार्ट के 12 भाव हैं, हाउसेज हैं, वो 12 एक बॉक्स हैं। इन बॉक्स में अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनमें बीमारी भी है, इनमें फाइनेंशियल गेन भी है, इनमें नेम फेम भी है, ठीक है, जॉब में प्रमोशन भी है, बिजनेस में सक्सेस भी है, कंपटीशन भी जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, मतलब आपकी गुड हेल्थ, ठीक है, या आप लाइफ में बीमार होंगे, कब बीमार होंगे, वो सब चीज़ें इन 12 भावों में, इन 12 बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो पहले यदि हम ये जान लें कि इन जो 12 बॉक्स हैं अलग अलग तरह के, उनमें क्या क्या है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में बड़ी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है ये, तो बड़ा इजी हम ये जान जाएंगे कि जो ये 12 भाव हैं, इनमें जो जो पड़ा हुआ है, जब वो भाव के जो स्वामी हैं या जो प्लैनेट इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लाइक जैसे अभी मैं आपसे सिक्स भाव के बारे में बात करूंगा, तो जो भी सिक्स भाव में पड़ा हुआ है, जो भी प्लैनेट इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इस भाव का स्वामी, इस भाव में बैठने वाले प्लैनेट किस नक्षत्र के द्वारा किन किन भावों से जुड़ेंगे, वो हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो सिक्स भाव के बारे में चर्चा करने से पहले पहले तो मैं अपने एक मेरे दोस्त मित्र हैं, जब मैंने फिफ्थ भाव के बारे में चर्चा की थी तो उसमें मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दोस्त, मैं देखिए वीडियो बनाते हुए कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो आपने मुझे याद करवाया था, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में भी यदि मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊं, अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, तो आप मुझे दोबारा से फिर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि लोग जानते हैं सच्चाई, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि यार ये अंधविश्वास जो फैला रखा है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहिए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा होगा, वैसा कर लो, तो थोड़ा सा उस चीज़ों को आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। जब हम प्रैक्टिकली समझते हैं ना, तो ये अंधविश्वास जो है अपने आप ही दूर हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको बताने की कि कैसे हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सिक्स भाव में जो सामान रखा है उसका रिजल्ट हमें कब कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सिक्स भाव से हम जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो सिक्स भाव हमें हमारी हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी देता है कि कब हम बीमार होंगे या नहीं होंगे, बीमार होंगे तो जो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, वो एलोपैथिक से हम ठीक होंगे या आयुर्वेदिक से ठीक होंगे, वो सब कुछ हमें सिक्स भाव जो है बताता है, ठीक है। रिकवर कब होंगे वो भी सिक्स भाव बताएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बीमार कब होंगे वो भी सिक्स भाव ही हमारे जो है हम बताएगा हमें। अच्छा, सिक्स भाव जो है लिटिगेशन का भाव भी है, किसी तरह की लिटिगेशन हो वो हमें सिक्स भाव बताएगा। अच्छा, कंपटीशन, जब कोई बच्चा एजुकेशन में जाता है बस वहीं से उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, एजुकेशन हो, जॉब हो, प्रमोशन लेनी हो, बिजनेस कर रहे हैं उसमें, पॉलिटिक्स में, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है ना, तो सिक्स भाव कंपटीशन का भाव है। बस जो भी प्रश्न हो कंपटीशन से रिलेटेड, हमें बस ये देखना है कि ये अपने नक्षत्र के थ्रू किस किस भाव से जुड़ा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें हमें सक्सेस मिलेगी कंपटीशन में या नहीं मिलेगी, ठीक है। पॉलिटिक्स में लाइक इलेक्शन टिकट, अब देखिए इतने बंदे इलेक्शन टिकट अप्लाई करते हैं लेकिन मिलता एक को है, ठीक है, इलेक्शन कई कैंडिडेट लड़ते हैं वो, ठीक है, लेकिन जीत एक की होती है, किसकी होगी वो हमें सिक्स भाव ही बताएगा, ठीक है। अच्छा, सिक्स भाव अब क्यों बताएगा, अब थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट भाव जो है वो हमारा है, सिक्स भाव हमारा है, हमारा जो लॉस या फेलियर वो 12 हाउस बताता है हमें, ठीक है। अब सामने वाला 7 था, उसका 12 हाउस क्या होगा, 6, तो उसकी सक्सेस या उसका फेलियर होना, लॉस होना उसे,
वो सिक्स हाउस यदि हमारा एक्टिव होगा तो उसको ये सब चीज़ें सामने वाले को फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन स्ट्रांगली सिग्निफाई करना चाहिए। वो आगे फर्दर है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आपको 12 हाउस भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्स भाव जो है कंपटीशन में किसी भी तरह का हो, स्टडी में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, सब कुछ हमें पॉलिटिक्स में हो, सिक्स हाउस बताता है। अब ये बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस उसमें वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, या उसमें हमें सक्सेस कितना मिलेगा, सिक्स हाउस बताएगा। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, सेपरेशन जो भी किसी भी तरह का जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्स हाउस अकेला ही डिवोर्स करवा देगा, ऐसा नहीं है। अकेला सिक्स डिवोर्स नहीं करवाता। हाँ, सिक्स क्योंकि सेवन से ट्वेल्व बना, ठीक है ना, तो सेपरेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, वो हमें सिक्स हाउस बताता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने बीमारी की बात की थी तो वहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर मिस कर गया, डीलिंग विद डॉक्टर, वो भी हमें सिक्स हाउस बताता है। नर्सिंग, वो भी हमें सिक्स हाउस बताता है, क्योंकि सिक्स हाउस सेवा भाव का है, तो नर्सिंग के मामले में सिक्स भाव ही हमें बताता है। अच्छा, अब जॉब सिक्स भाव से, जॉब कब लगेगी, कब जॉब छूट जाएगी, सैलरी कब इंक्रीज होगी, प्रमोशन कब मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको इस बारे में सिक्स हाउस बताता है। अच्छा, इवन कि जॉब में परमानेंट होना, वो भी हमें सिक्स भाव ही बताता है। अच्छा, विक्ट्री ओवर एनमी, है ना, मतलब वही बात आ गई फिर कंपटीशन वाली, वो भी वो सब कुछ इसी में है। अच्छा, गेन, अब गेन किसी भी तरह का, वो हमें सिक्स भाव बताता है, फिर वही बात, क्योंकि वो सेवन से ट्वेल्व बना, अब उसका नुकसान होगा तो हमें गेन होगा हाथ भाई। अच्छा, सर्वेंट, घर में जो सर्वेंट है वो ईमानदार होगा बेईमान होगा, है ना, सिक्स भाव में बताता है। अच्छा, किराएदार, कई ऐसे प्रेशन भी आते हैं हमारे पास कि जी प्रॉपर्टी है, चलो इनकम हो जाएगी, तो किराएदार कब मिलेगा, अच्छा वो भी सिक्स भाव। किराएदार कैसा होगा, वो अच्छा होगा या हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा, वो लड़ाई झगड़े वाला होगा, वो सिक्स भाव बताएगा, किन किन भावों से जुड़ेगा और किन किन प्लैनेट से जुड़ेगा, वो सिक्स भाव बताता है। अच्छा, नौकरी की बात करी ली, उधार लेना, उधार, अब देखिए उधार जो है वो सिक्स भाव बताता है। अब उधार भी कई तरह का, आप बैंक से लेना चाह रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मदर आपकी हेल्प कर दे या फादर कर दे, छोटा भाई, बड़े भाई बहन या आपका दोस्त कोई मित्र, वो सब कुछ सिक्स भाव हमें बताएगा। सिक्स भाव को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट हैं वो आगे किस नक्षत्र से जुड़ेंगे, वो नक्षत्र किन भावों से जुड़ेगा हमें पता चल जाएगा, तो मिलेगा उधार या नहीं मिलेगा। अच्छा, कई बार उधार मिला, उतारना है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी पता चल जाता है कि यार तू उधार लेने जा रहा है, जो उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो सिक्स भाव हमें, ठीक है, बता देता है। अच्छा, रिसीविंग चैरिटी, वो भी सिक्स भाव से पता चलता है। अच्छा, स्टेप मदर के बारे में, मदर के परिवार के बारे में, अब स्टेप मदर समझ लीजिए पहले, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर, फोर्थ से थर्ड सिक्स बना, तो मदर की छोटी बहन, ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता कि, तो वो चीज़ जो है वो स्टेप मदर के बारे में हम इस भाव से जानते हैं। नानका परिवार, हमारा परिवार, नानका परिवार कैसा होगा, मदर का जो परिवार है वो, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, उनसे रिलेशन कैसे होंगे, हर तरह का क्वेश्चन जो भी है वो सिक्स भाव हमें क्लियर कर देगा। अच्छा, होटल इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, ऐसे प्रेशन भी आ जाते हैं, तो वो सब कुछ जो है सिक्स भाव जो है हमें बताएगा। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर सिक्स भाव को बुरा भाव ही माना गया है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में सिक्स भाव को बुरा नहीं माना गया। हाँ, इसकी लिंकेज आगे देखनी पड़ेगी कि किन भावों से होती है, तो उस तरीके से वो रिजल्ट देता है। तो जैसे कि मैं बता दूँ, अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आगे वो रिजल्ट कैसे सिक्स भाव के मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। कि मान लीजिए कि आपको उधार लेना है, ठीक है ना, उधार लेना, तो उधार का भाव सिक्स, अब उधार क्या है, पैसा। अब इसका लिंक नक्षत्र के थ्रू जब सिक्स
भाव का जो लिंक है नक्षत्र के थ्रू सेकंड से या 11 आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इच्छा चाहते हैं ना आप लोन, इनमें से किसी भाव के साथ हो जाए तो उस डीबीए में जो डीबीए 2611 सिग्निफाई करेगी आपको लोन मिल जाएगा। और किससे मिलेगा, बैंक से मिलेगा, जो भी हम बात की रिलेटिव जो है हमारे उनसे मिलेगा, वो साथ में प्लैनेट देखना है और भाव देखना है, तो हम क्लियर इंडिकेट हो जाता है कि हाँ यस आपको इस पीरियड में इस तरीके से लोन जो है वो मिल जाएगा। सो यदि मैं कुछ चीज़ भूल जाऊँ तो आप मुझे याद करवा सकते हैं, मैसेज बॉक्स खुला है YouTube पे। तो कल एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।